ABPS न्यूज़। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले एक बैठक का आयोजन मथुरा जिले के ब्लॉक राया के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश सचिव अजय प्रताप सिंह ने संगठन को मजबूत करने के लिए सभी प्रधानों को एकजुट होने का आह्वान किया और साथ ही प्रधानों के हितों के बारे में संगठन द्वारा किए जा रहे प्रयासों से प्रधानों को अवगत कराया। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि इस देश का सबसे परेशान नेता है तो वह है ग्राम प्रधान, क्योंकि वह अपने बारे में न सोचकर गाँव की तरक्की व विकास के बारे में सोचते हैं, लेकिन सरकारें फिर भी ग्राम प्रधान का ध्यान ना रखकर उनके अधिकारों का ही हनन कर रही हैं। इस दौरान जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष तथा ब्लॉक के सभी ग्राम प्रधान मौजूद रहे। किसी काम में लगा दिया, लेकिन परेशान है तो सिर्फ एक आदमी जो ग्राम प्रधान है। जिस दिन हम ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े थे तो ये सोच कर नहीं लड़े थे कि हमें बहुत सारा पैसा कमाना है। हम लोग चुनाव जो लड़े थे वो इसलिए लड़े थे कि प्रधान जी जब हमारे नाम के साथ में जुड़ जाएगा तो हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। अगर हम कहें कि छोटा अगर किसान भी है तब भी प्रधान जी का चुनाव नहीं कर सकता, संपन्न आदमी ही ग्राम प्रधान का चुनाव कर सकता है। अगर हमने 10-15 लाख रुपए अपने जो खर्च किए चुनाव में वो सिर्फ अपने मान सम्मान की खातिर किए थे, हमने ये नहीं सोचा था कि 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया हम कमा लेंगे। लेकिन अब वो सम्मान अपमान में बदल चुका है। जैसे बहुत सी चीजों में स्कीम चलती है कि एक के साथ एक फ्री, हमने सम्मान मांगा, अपमान उससे ज्यादा हमें फ्री मिल रहा है। किसी भी तरह से ग्राम प्रधान को चोर बनाने की जो कोशिश हो रही है सब तरफ से, ग्राम प्रधान का दर्द सिर्फ उसके पड़ोस का ग्राम प्रधान ही जान सकता है, इसके अलावा तो कोई जान ही नहीं सकता।